जो लोग बोलते हैं कि दुबई में आके आप इलेक्ट्रॉनिक का शॉपिंग करो या फिर एटलीस्ट आईफोन का वगैरह, शॉपिंग जाना तो आपको ऐसे पीछे ये ग्रीन कलर का स्टिकर लगा के देंगे शॉप पे ही, और उस टाइम पे आपको पासपोर्ट कैरी करना है। और अभी हम लोग दुबई एयरपोर्ट पे फ्री का फूड खा रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरे चेहरे पे जो आपको खुशी दिख रही है वो इस रीजन से है क्योंकि आज का और कल का दिन शॉपिंग का दिन होने वाला है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और वन ऑफ द मेन रीज़न है दुबई ट्रिप प्लान करने के पीछे वो है शॉपिंग। तो आज हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करने वाले हैं और कल के दिन हम लोग दुबई मॉल जाएंगे शॉपिंग के लिए। और कोई तो थोड़ा सा उदास है, उसके पीछे रीज़न मैं बताओगे कि आप बताओ? हाँ, इसने मुझे पहले ही बोल के रखा था कि जिस दिन शॉपिंग रहेगा उस दिन क्रेडिट कार्ड मुझे दे के रखे। हाँ, बट कुछ कर नहीं सकते बिकॉज ये दुबई का प्लान करने से पहले ये डील मैंने इनके साथ क्लोज कर दिया था कि मुझे कोई भी क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे और आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दोगे और मुझे जितना चाहिए उतना शॉपिंग करूंगी। हाँ, बट वो लिमिट तो रहेगा ना क्रेडिट कार्ड का एक। सो वीडियो एंड तक देखिए, पूरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी क्रॉस कर सकती हूँ ना मैम, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आपको अगर जानना रहेगा कि हमने कितना यहाँ से शॉपिंग किया, स्पेशली मैंने। और क्या शॉपिंग किया? हाँ, और क्या शॉपिंग? सो तो आपको समझ ही कह रहेगा हम लोग क्यों आए। उसके बाद में यहाँ पे कपड़े का शॉप है, फिर बाद में मसाले वाला शॉप है। Congratulations. Thank you so much. So Kinjal ने लिया iPhone 14 Pro 256 GB, yes. और मैंने लिया Apple Watch S8 और earphones. और बहुत अच्छे कॉस्ट में पड़ा। वो सारा जो कॉस्टिंग है ना वो आपको हम लोग लास्ट में बता देंगे। हाँ, मतलब पूरा शॉपिंग पर हमने कितना खर्चा किया वो आपको एंड ऑफ द वीडियो समझ जाएंगे। यस, जो लोग बोलते हैं कि दुबई में आके आप इलेक्ट्रॉनिक का शॉपिंग करो या फिर एटलीस्ट आईफोन का वगैरह, वो सच में सही है क्योंकि हम लोग का जो एयर टिकट वगैरह का कॉस्टिंग पकड़ के भी अगर मैं यहाँ पे आके आईफोन, सिर्फ आईफोन भी लेता हूँ ना तो भी मेरे को सस्ता पड़ रहा है। इतना अच्छा कॉस्ट मिला हम लोग को, तो सही है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स है और वेज रेस्टोरेंट है, और काफ़ी सारे इंडियंस ही दिखेंगे आपको यहाँ पे ये रोड पे। तो अभी हम लोग देख रहे कुछ खा भी लेते हैं और उसके बाद में लगे तो स्टारबक्स जाते थे, है ना? अगर आप मीना बाज़ार आ रहे हो ना तो आप यहाँ पे ज़रूर टेस्ट कीजिए फूड, क्योंकि सच में बहुत अच्छा है और प्लस बहुत बजट में है। मतलब इतने टाइम से हम लोग जब खाना खा रहे हैं, ऑब्वियसली मेन दुबई एरिया में, तो 40 dirham 50 dirham का एक डिश आ रहा है। हम लोग का टोटल बिल यहाँ पे 53 rupees हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने डोसा खाया, उत्तप्पा खाया और दो जूस भी पिए, तो काफ़ी अच्छा है। बहुत बड़ा था, मतलब पेट भर गया, पेट भर गया, हो भी नहीं रहा था डोसा। यस, बहुत सही फूड है। आ जाओ एक बार। गाइस, कल शॉपिंग करने के बाद में ओल्ड दुबई में हम लोगों ने ओल्ड दुबई भी एक्सप्लोर किया और उसका जो वीडियो है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अभी हम लोग आए दुबई मॉल में क्योंकि किंजल को और शॉपिंग करना है और उसको कुछ मेरे लिए भी लेना है। और जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया तो दुबई मॉल, मतलब सरप्राइजिंगली मुझे बहुत बड़ा वहाँ पर डायनासोर का स्केलेटन दिखा, जो कि बहुत पुराना है, जो USA से दुबई लेके आया है। राइट, मतलब ये मॉल में चीज़ ये देखना मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग है। तो अभी हम लोग जस्ट आए, अभी बजे दोपहर के 12, अभी हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि क्या बजट में और क्या हम लोग खरीद सकते हैं।
और बहुत बड़ा मॉल है, अभी पता नहीं क्या क्या हम लोग कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। जल ट्राई करिए हील वाले शूज। उधर इधर से सीधा यहाँ पे शिफ्ट कर रही है। आपने बोला तो मैं सोच रही हूँ, मतलब ये तो रेगुलर भी तो यूज कर सकती है। दिखने में कैसे रेगुलर? दिखने में भी अच्छा ही है ना। श्योर। सो किंजल हील्स वाला शूज़ देख रही थी, बट मैंने उसको बोला कि नॉर्मल वाला शूज़। मेरा ब्रेन वॉश कर दिया। हाँ, क्योंकि हील्स वाला शूज़ ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। वो शार के देख। ये तो काफ़ी फेमस है ना। ये वाला। सो गाइस, ये सबसे पहले वाला एयर जॉर्डन है 1984 का। हाँ, फिर यहाँ से 1987, ये देखो ना 1993। ये डालेंगे कहाँ पे? मुझे कोई दिला दो, मैं किधर भी, मैं ग्रोसरी शॉपिंग में भी डालूंगी। हम लोगों ने माइकल जॉर्डन का एक डॉक्यूमेंट्री देखा था, मेरे भाई ने सजेस्ट किया था, तो उसमें दिखाया था कि माइकल जॉर्डन कितना कॉम्पिटिटिव था और क्यों ये एयर, मतलब जॉर्डन एयर शूज़ क्यों आए, वो उसमें पूरा क्लियरली दिखाया और एक्सप्लेन किया है। तो वो देखने के बाद में मैं माइकल जॉर्डन का फ़ैन हो गया। बट ऐसा तो जनरली काफ़ी लोग फ़ैन रहेंगे, बट इतना भी बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। उसकी जगह पे माइकल जैक्सन का कुछ रहता तो आग उठा लेता था मैं। हाँ, आराम से उठा लेता था। तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी था तो मैंने लिया नहीं। और एक चीज़, यहाँ पे लोग स्केटिंग कर रहे हैं, आइस स्केटिंग कर रहे हैं। ये मॉल इतना बड़ा है कि उन्होंने ऐसा एक स्क्रीन लगाया है जिसके ऊपर आप सर्च कर सकते हो कि अगर आपको फॉर एग्जांपल स्टारबक्स जाना है, तो जैसे अभी ये सारा दिया है फर्स्ट फ्लोर लोअर ग्राउंड, तो यहाँ पे 4-5 स्टारबक्स है और अभी वो पूरा दिखाएगा कि आप यहाँ पे हो, तो ऐसा पूरा जाना है चल के और वहाँ पे स्टारबक्स है। ये इतना बड़ा मॉल है। ओके। और ये तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर है, लेवल 1, तो ऐसे काफ़ी सारे लेवल्स है, टोटल 4 लेवल्स है। लोअर ग्राउंड है। ये एप्पल स्टोर वाले लाइटिंग एकदम डिफरेंट कर दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एकदम सॉफ्ट लाइट सब जगह पे लगा के रखा है। और कितना डिफरेंट है ना इधर का एप्पल स्टोर, ह्यूज है एकदम। एप्पल स्टोर में ही उन्होंने लिफ्ट रखा है नीचे वाले फ्लोर पे जाने के। ऊपर बेल्ट नहीं थे तो हम लोग नीचे आ गए। यहाँ पे सारे बेल्ट है और वहाँ पे दुबई का जो फाउंटेन है उसका व्यू है। ये देख, मुझे ऐसे टाइप में चाहिए था। किंजल लेना है क्या कुछ? अपना पूरा दुबई का ट्रिप इसमें चला जाएगा। किंजल, इधर तो तेरे सारे फेवरेट ब्रांड्स है। अच्छा, ठीक है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। ये फेंडी भी है देख तेरा, मतलब तेरा ऐसे नहीं है। सो यहाँ पे जो सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लुई विटों, शनेल, अरमानी, ये यहाँ पे आप आओगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। मॉल के दो पार्ट से इसे फैशन एवेन्यू कहा जाता है और यहाँ पे सारे एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख अगर आपके पास नहीं रहेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा, एक ही चीज़ आएगी। 1.5 लाख एक ही प्रोडक्ट आएगा, एक ही प्रोडक्ट आएगा, वो भी मैंने आई थिंक कम बोला। डियोर वगैरह में तो आई थिंक 2-3 लाख से सारी चीज़ें शुरू होती है, लुई विटों में भी। तो अगर आपके पास उतना पैसा है तो इस साइड ऑफ मॉल में, इस साइड ऑफ मॉल में आके आप शॉपिंग कर सकते हैं। एप्पल वॉच केस है ये, 3,000 dirham गोल्ड प्लेटेड। ये सारा गोल्ड है ना, ये देख 24 कैरेट गोल्ड लिमिटेड एडिशन। सो हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, कुछ ज़्यादा नहीं। हाँ, शॉपिंग बाकी है अभी, बट हमने सोचा अभी फाउंटेन शो का टाइमिंग भी हो गया, सनसेट भी होगा और सनसेट के टाइम पे बुर्ज खलीफा पे बहुत अच्छा लाइट आता है, तो हमने सोचा थोड़ी देर बाहर आते हैं, तो फाउंटेन शो भी देख लेते हैं और बुर्ज खलीफा के यहाँ पे सनसेट भी। तो हम लोग बुर्ज खलीफा के अंदर जाके आए और इसके पहले हम लोग मॉल में भी एक बार आके गए, बट हम लोग ये जगह पे नहीं आए जहाँ पे फाउंटेन शो है और सीधा बुर्ज खलीफा दिखता है, तो हम लोग को थोड़े फोटोज भी क्लिक करने थे तो उसके लिए आ गए। और यहाँ पे अभी थोड़ा रश भी पड़ गया क्योंकि इवनिंग का टाइम है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसा व्यू है।
ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट रुके थे वहाँ पे, और किंजल का यही सवाल था कि सच में वर्थ इट रहेगा क्या, बट सच में वर्थ इट है। और क्विक टिप, सच में आप 40-50 मिनट पहले आइए, नहीं तो आपको बिल्कुल भी जगह नहीं, मतलब पीछे रुकना पड़ेगा, अच्छे से देखने नहीं मिलेगा। Only 15,000 dirham. 15,000 dirham मतलब होता है somewhere around 3-4 lakhs. तो गाइस हम लोग दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं बैक टू मुंबई जाने के लिए, और मन नहीं कर रहा है अभी भी यहाँ से, फ्रैंकली बोलूँ तो, दुबई से जाने का। बट पहुंचते ही हमने जो वैट रिफंड के कियोस्क है वहाँ पे हमने सारे डिटेल्स एंटर कर दिए, और जो प्रोसेस है वो हो चुका है हमारा। एंट्रेंस भी आपको दिख जाएंगे वैट रिफंड वाले। हाँ, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब आपको समझ जाएगा वो प्रोसेस कैसे करना है, और अगर नहीं भी समझे तो भी वहाँ पे है असिस्ट करने वाले लोग। यस, कौन से इनवॉइसेस पे आपका वैट रिफंड आप ले सकते हो उसमें आ जाता है, आपको अमाउंट भी दिख जाता है। जैसे अभी शॉपिंग किया ना तो आपको ऐसे पीछे ये ग्रीन कलर का स्टिकर लगा के देंगे शॉप पे ही, और उस टाइम पे आपको पासपोर्ट कैरी करना है तो वो डायरेक्टली ना आपके पासपोर्ट के साथ लिंक हो जाता है, तो आप आपका पासपोर्ट जब वहाँ पे डालते हो वो मशीन में, तो सीधा जो भी अपने वैट रिफंड वाले रिसीट लिए उसका पूरा कॉस्ट आ जाता है। यस, तो वो हमने एंटर कर दिया है, अब जब हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें वो कैश में रिफंड मिल जाएगा। दो ऑप्शन है, आप अपने बैंक में भी ले सकते हो और कैश में भी, बट हम कैश में ले रहे हैं क्योंकि अंदर जाके फिर हम लोग कुछ ड्यूटी फ्री से कुछ शॉपिंग कर सकेंगे। और अभी यहाँ पे एमिरेट्स का हमने फ्लाइट बुक किया था, तो यहाँ पे सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप है, हमने वेब चेक इन कर लिया है, तो वो अभी हम करने के लिए रुके हैं लाइन में, तो वो भी प्रोसेस कैसे हम लोग आपको दिखा देंगे। सो ये हम लोग अभी सेल्फ चेक इन कर रहे हैं, क्या पासपोर्ट लगेगा दोनों का ना? नहीं, उन्होंने ही बोला ग्रुप में डालने के लिए 18 kg। तो गाइस हमारा इमिग्रेशन का प्रोसेस हो चुका है, और दुबई एयरपोर्ट पे बहुत ही सिंपल प्रोसेस है सारा इमिग्रेशन और सिक्योरिटी का, ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस को उन्होंने ऑटोमेशन पे डाल दिया, इसलिए सब कुछ क्विकली हो जाता है। उसके बाद हमने वैट रिफंड लिया, और वैट रिफंड से जो पैसे मिले उसे थोड़ा बहुत शॉपिंग किया हमने, और अभी हम लोग दुबई एयरपोर्ट पे फ्री का फूड खा रहे हैं। मरहबा लाउंज करके यहाँ पर है जहाँ पे हमें ये फ्री फूड, जूस, कॉफ़ी, हमें सारी चीज़ें मिलती है क्रेडिट कार्ड पे। मैंने लिया है फिश बिरयानी, फिर यहाँ पे दो टाइप्स के केक है, सैंडविच है, किंजल ने लिया है पास्ता और कुछ सलाद जैसा, उसके लिए वाइन, और मैंने कॉफ़ी और ऑरेंज जूस दोनों लिया है। फूड तो गाइस बहुत अच्छा था। अभी हम लोग निकले, हम लोग का जो बोर्डिंग है वो शुरू हो गया रहेगा क्योंकि 350 का फ्लाइट है, और एक चीज़, दुबई एयरपोर्ट पे ना अनाउंसमेंट होता नहीं है क्योंकि ये साइलेंट एयरपोर्ट है, तो आप वो चीज़ का ध्यान रखना है, टाइम पे निकल जाना, नहीं तो फिर फ्लाइट आपकी छूट सकती है। और एक और चीज़, ये जो लाउंज है मरहबा लाउंज, वहाँ पे इनकेस अगर आपका दुबई एयरपोर्ट पे लेओवर है और लंबा लेओवर है तो यहाँ पर आप शार भी ले सकते हो, क्योंकि वो भी शार का भी फैसिलिटी है यहाँ पे। सो गाइस हम लोग दुबई से रिटर्न आ चुके हैं, और अभी फिलहाल मैं मेरे घर से आप सभी से बात कर रही हूँ, आप सभी लोगों को पीछे दिख ही रहा होगा। तो शॉपिंग करने के बाद हमने आपको टोटल हमने कितना स्पेंड किया वो बताया नहीं, तो मैंने सोचा एक छोटा सा हॉल कर देती हूँ ताकि आप सभी को समझे भी कि हमने वहाँ से क्या क्या चीज़ें बाय की और हमने टोटल कितना स्पेंड किया। सो जो मेजर हमारा एक्सपेंस था वो हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे किया। इन्होंने मुझे लेके दिया है iPhone 14 Pro ब्लैक कलर का, 256 GB, उनके लिए हमने बाय किया ये एप्पल वॉच सीरीज 8 और ये आईपॉड प्रो 2। सो ये सबका मिला के हमारा टोटल हुआ है 1.5। इंडिया में अगर आप लेने जाओगे तो मे बी आपको सिर्फ फ़ोन ही उतने में मिलेगा। हमने मॉल में जो शॉपिंग की वो मेजर जो हमने स्पेंड किया उसमें वो है शूज़ पर, क्योंकि दुबई में क्लोज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने मेरे लिए जो है वो अल्डो से ये ब्लैक वाला शूज़ बाय किया क्योंकि मेरे पास स्पोर्टी काफ़ी सारे शूज़ थे, बट ऐसे टाइप का कोई भी शू नहीं था, क्लासी दिखता है और ऑलमोस्ट आपके सारे कपड़ों पे जाता है, तो इसके लिए मैंने ब्लैक एंड गोल्ड कलर का शूज़ बाय किया है 399 dirham में। न्यू बैलेंस के शूज़, ये बेसिकली US का ब्रांड है, और इंडिया में आई थिंक वेज नॉन वेज
वेबसाइट में आपको मिलता है, उसके अलावा आपको कोई भी शॉप्स में नहीं मिलता, मैंने तो अभी तक नहीं देखा, 699 दिरहम में। उसके बाद मैंने कुछ विक्टोरिया सीक्रेट से बाय किया क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे थे, बाय 3 get 2 free ऐसे डिस्काउंट चल रहे थे, तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली। कैल्विन क्लाइन से मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें ली। अभी जो सारी चीज़ें हैं वो हमने लोगों को गिफ्ट देने के लिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स को गिफ्ट देने के लिए बाय की। मेजर हमने बाय किया है वहाँ से 10 perfumes, क्योंकि वहाँ पे परफ्यूम्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। सो ये 10 perfumes हमने बाय किए। उसके बाद ये 2 oud बाय किए हैं। उसके बाद मैंने आर्गन ऑयल बाय किया है ग्लोबल विलेज से। स्पाइसेस हमने लिया है यहाँ से, 500 grams ऑफ इलायची है, 6 grams ऑफ केसर लिया, यहाँ पे केसर काफ़ी अच्छा मिलता है। ये ऐसे डेट्स वहाँ से बाय किए, ये सीडलेस डेट्स। उसके बाद हमने दुबई के ये 2 cups बाय किए जिसमें दुबई का पूरा स्काईलाइन है, और ये चॉकलेट्स कुछ बाय किए। तो ऐसे सब मिला के हमारा टोटल जो एक्सपेंस है वो 2 lakhs का हुआ है। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर आपको भी कोई डाउट रहेगा शॉपिंग के रिलेटेड दुबई के, तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय वॉन्डर।